भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 6 लोगों द्वारा मिलकर अपने ही दोस्त की बेरहमी से की गई हत्या के आरोपियों को वैशाली नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। कार को धक्का देने की बात को लेकर युवक और उसके दोस्तों अजय उर्फ अज्जू भदौरिया व उसके 5 अन्य दोस्तों भूपेश देवदास, ब्रिजेश उर्फ बिज्जू देवदास, हरीश धृतलहरे, अजय उर्फ अज्जू भदौरिया, पंकज लाउत्रे उर्फ मौस और अमन उर्फ समीर खान में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि पहले तो युवकों ने उसे पीटा, फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया, जिसके बाद वो घायल हो गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान अब्दुल गयासुद्दीन कुरैशी के रूप में हुई। घटना के बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए थे। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। कैमरों की मदद लेने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में दबिश दी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली नगर थाने का मामला है। रात में 11 बजे के आसपास सूचना मिली थाने में कि एक व्यक्ति के साथ 5-6 लोग मारपीट कर रहे हैं और घायल है। उसी पर से पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी भाग खड़े हुए और जो मृतक है घायल अवस्था में था उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। और मौत के तत्काल उपरांत हम लोगों ने टीम बनाकर मामले की विवेचना के लगा दिया और रात में ही 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का जो मुख्य वजह है ये है कि जो मुख्य आरोपी है इस मामले का अजय भदौरिया, वो फ्लावर डेकोरेशन का काम करता था और ये सारे लड़के उसके साथ काम करते थे। रात में फ्लावर डेकोरेशन के उपरांत ये वापस अपने घर और खाना खाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में इनका वैन खराब हो गया जिसको धक्का ये दे रहे थे। धक्का जब वो मृतक नहीं दे रहा था तो उस पर से 6 के साथ उसकी बहस हो गई और बहस जो है मारपीट में तब्दील हो गई और मारपीट इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी मौत हो गई। 6 आरोपियों के कोई आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के पास अभी तक नहीं है और इनके हम लोगों ने तस्दीक भी किया, इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अमृतक के 2-3 मारपीट के रिकॉर्ड हैं।